प्राइम टीवी सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज बड़ी कैबिनेट बैठक होने जा रही है। लोक भवन में होने वाली इस बैठक में कई बड़े प्रस्ताव पर चर्चा होगी। कैबिनेट बैठक के बाद सीएम दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दोपहर 2:45 पर हिडन एयरपोर्ट गाजियाबाद सीएम योगी पहुंचेंगे। दिल्ली के प्रगति मैदान में वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल थीम पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। मैनपुरी लोकसभा सीट में भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक दोपहर 1 बजे नामांकन करेंगे। इस दौरान भाजपा के कई बड़े नेता शामिल होंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश महामंत्री अश्विनी त्यागी भी मैनपुरी पहुंचेंगे। बता दें कि भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक के सामने सपा प्रत्याशी डिम्पल यादव चुनावी मैदान में है। मैनपुरी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक दोपहर 1 बजे नामांकन भरेंगे। बता दें रघुराज शाक के सामने डिंपल चुनावी मैदान में है। दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। बीजेपी ने मैनपुरी से रघुराज सिंह शाक पर दाव खेला है। बता दें आज नामांकन करेंगे रघुराज सिंह साख। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमरजीत हमसे जुड़ेंगे। अमरजीत, मैनपुरी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह साख आज नामांकन भरेंगे। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आज रघुराज सिंह साख आज नामांकन भरेंगे। उनके साथ में तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। इस नामांकन के दौरान केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र चौधरी, कैबिनेट मंत्री जेबी सिंह, तमाम तमाम नेता साथ में शामिल होंगे। क्या कुछ नामांकन की तैयारियां की गई हैं? ये प्रक्रिया कितने बजे होगी और कौन कौन लोग मौजूद रहेंगे? नामांकन की प्रक्रिया 1 बजे होगी। नामांकन उनके साथ में केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहेंगे, कैबिनेट मंत्री जेबी सिंह, कैबिनेट मंत्री जिला प्रदीप चौहान मौजूद रहेंगे, भूपेंद्र चौधरी मौजूद, तमाम तमाम बड़े बड़े नेता साथ में मौजूद रहेंगे। और यहाँ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे चारों तरफ बैरिकेटिंग है। गेट परिसर से लेकर कलेक्टर परिसर तक चौक चौबंद, पुलिस चौक चौबंद, कड़ी सुरक्षा के साथ नामांकन होगा। प्रत्याशी के साथ में प्रस्ताव जाएगा और प्रत्याशी जाएगा। जी धन्यवाद अमरजीत तमाम जानकारियों के लिए।
लखनऊ के दुबग्गा थाना क्षेत्र अश्विन कॉलोनी भरावन कला में प्रेमी ने प्रेमिका को चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया। प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी ने प्रेमिका निधि गुप्ता को छत से नीचे फेंक दिया। इस घटना में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद परिजनों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ अस्पताल में इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई। अब इस मामले में लव जिहाद का एंगल भी सामने आया है। पीड़ित परिजनों ने भी आरोपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसी की वजह से वो मरी, उसी के बाद हम लोग कंप्लेन करने गए थे, शिकायत करने गए थे। वो मेरे भाई को मारने की धमकी दे रहा था कि मैं मारेंगे, लड़की का वीडियो बता रहा था, वीडियो है, ये है, वो है, दुनिया भर की बातें कर रहा था। कौन है? यही आगे एक लड़का रहता है। क्या नाम है? सुफियान। अच्छा, क्या पहले से जान पहचान थी? हाँ थी सर, जान पहचान पहले से थी, लेकिन हम लोगों ने सब खत्म कर दिया था, बात खत्म हो गई। वो उसको टॉर्चर कर रहा था आज कम से कम एक हफ्ते से, 15 दिन से टॉर्चर कर रहा था। हाँ, वो आज मैं उसके घर कंप्लेन लेके गई है, तो उनके घर वाले सब कह रहे हैं कि शादी कर दो। हाँ, वो वीडियो बनाता है, कह रहा था वीडियो है मेरे पास, ये है, वो है, दुनिया चीजें बता। कौन कह रहा था शादी कर दो? वही लड़का, उसके घर वाले, उसकी मम्मी ने, मम्मी ने कहा। आपकी बिटिया है? हाँ, मेरी लड़की। कितनी उम्र है उनकी? उनकी 17 की एज है। कला में प्रेमी ने प्रेमिका को चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया। वहीं लव जिहाद का मामला भी सामने आया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शादाब हमसे जुड़ेंगे। शादाब, लखनऊ से भयानक घटना सामने आई है, जहां प्रेमी ने प्रेमिका को चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया है। क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए मयूरी, मैं बता दूं कि ये लखनऊ के दुबग्गा क्षेत्र का मामला है, जहाँ डूडा कॉलोनी है, जहाँ पे ये जो जिसकी मौत हुई है बच्ची की, वो डूडा कॉलोनी में रहती थी। वहीं पे ही एक उसके थोड़ी सी दूर पे एक सुफियान नाम का युवक रहता था, जिससे उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसी से कुछ कहासुनी हुई थी। जो ये निधि नाम की युवती थी, वो और उनके परिवार वाले सुफियान के घर गए हुए थे बातचीत करने को लेके। वहीं पे ही इन लोग की कहा सुनी हुई थी दोनों परिवार में। उसके बाद निधि जो 4 मंजिल जो इमारत है उस पर चढ़ गई थी। वहीं पीछे से जो आरोप है परिवार वालों का, पीछे से सुफियान नामक युवक आता है, उसको धक्का देता है और वो मौके पे गंभीर रूप से घायल हो जाती है। हालांकि जो वहाँ के लोग थे, उन्होंने उस युवती को ले आके ट्रामा सेंटर में एडमिट कराया, जहाँ डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। हालांकि ये मामला गंभीर है। वहीं मैं आपको बता दूं कि जो पुलिस का कहना है, पुलिस का साफ तौर पर यही कहना है कि जो युवती है वो खुद आत्महत्या किए है। लेकिन वहीं परिवार वालों की अगर बात मानी जाए, तो वो साफ तौर पर युवक पे, जो सुफियान नामक युवक है, उस पर आरोप लगा रही है। वहीं उसकी माँ का भी आरोप है कि सुफियान और उनके परिवार वाले शादी का जोर दे रहे थे, जिसके चलते ये घटना सामने आई है। हम आपको ये भी बता दें, जो पुलिस है, जो गुड़म्बा पुलिस है, वो लगातार दबिश दे रही है। 3 टीमों के गठन किया गया है युवक को पकड़ने के लिए, जो आरोपी है। फिलहाल अभी वो जो पुलिस से युवक अभी दूर है, अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जल्द से जल्द पुलिस कह रही है गिरफ्तारी करने के लिए। जी मयूरी, शादाब, क्या इसकी कोई जानकारी मिल पाई है कि प्रेमी द्वारा प्रेमिका पर इतनी भयानक घटना को अंजाम दिया गया, क्या वजह निकल कर सामने आई है? मैं बता दूं कि अभी तो फिलहाल जो सामने निकल के सामने आ रहा है, वो प्रेम प्रसंग का ही मामला सामने आ रहा है। और साथ ही ये बात सामने आ रही है कि जो सुफियान नामक युवक था, जिसको आरोपी बताया जा रहा है, वो और उसके परिवार वाले इन पे शादी का दबाव बना रहे थे कि निकाह करें, उसके बाद ही कहीं और कोई काम होगा, जिसके चलते ये लोग जो कहा इसी को लेकर कहा सुनी हुई थी, जिसके बाद वो छत पे चढ़ती है और पीछे से सुफियान नामक युवक आता है और उसको धक्का दे देता है। और 4 मंजिला ये इमारत है, जहाँ से उसको धक्का दिया गया है। और मौके पर उसको जो परिवार वाले थे और साथी जो आस पड़ोस के लोग थे, उसको ट्रामा सेंटर ले जाते हैं। वहीं डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। उसके बाद जो परिवार वाले हैं, वो थाने पहुंचते हैं और तहरीर देते हैं। तहरीर के बाद मुकदमा लिख दिया गया है और
साथ ही पुलिस ने 3 टीमें लगा दी हैं सुफियान नामक आरोपी को पकड़ने के लिए। फिलहाल अभी जो आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। जी मयूरी शादाब, इस पूरे मामले पर परिजनों का क्या कुछ कहना है और पुलिस क्या कुछ अभी तक कार्रवाई कर रही है? देखिए मयूरी, परिवार वाले जो हैं युवती के, उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया है सुफियान पे और उनके परिवार वालों पे, और बात ये भी निकल के सामने आ रही है कि जो धर्म परिवर्तन है, परिवर्तन को भी लेके मामला सामने आ रहा है कि जो युवक सुफियान युवक जो आरोपी है उसके परिवार वाले धर्म परिवर्तन की बात जोर डाल रहे थे, प्रेशर बना रहे थे, जिसके चलते ये मामला सामने आया है। फिलहाल जो पुलिस का कहना है, पुलिस अभी इस बातों से इनकार कर रही है और साथ ही जो परिवार वाले हैं, जो युवती के परिवार वाले हैं, उन्होंने एक तहरीर दी हुई है, उसमें साफ तौर पर ये बात लिखी गई है कि जो हत्या और साथ ही धर्म परिवर्तन को लेके बात कही गई है। फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है और साथ ही पुलिस ने 3 टीमें लगा दी हैं सुफियान नामक आरोपी को पकड़ने के लिए। फिलहाल आरोपी जो है वो अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, लेकिन वहीं अगर परिवार वालों की, युवक के परिवार वालों की बात की जाए तो अभी उसकी मां को थाने पे बुलाया गया है और वहीं पे ही उससे पूछताछ चल रही है। फिलहाल पुलिस का जो कहना है, पुलिस अभी यही कह रही है कि ऊपर से आत्महत्या का ये मामला है, लेकिन जो परिवार वाले हैं, परिवार वालों ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि धर्म परिवर्तन को लेके और साथ ही ज़बरदस्ती शादी को लेके वो प्रेशर बना रहे थे और उसके पास कुछ युक्ति की वीडियो थी जिसके चलते वो उस पर ब्लैकमेल कर रहा था युवक। फिलहाल ये सब जांच का विषय है, पुलिस ने अभी इसकी जांच कर रही है, अब ये आगे क्या निकल के आता है ये देखने वाली बात होगी। मयूरी जी शादाब, धन्यवाद शादाब तमाम जानकारियों के लिए। अब तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।